हेलो एवरीवन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है सो so, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या अपनी जो सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स के अंदर ही हम जो अभी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं डेल नेट निस्केर आज जो हमारा एक न्यू नेटवर्क हम इसमें डिस्कस करेंगे विच इज़ इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इनफ्लिबी नेट इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ़्लिबीनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि यू थ्रू या अनदर डिपार्टमेंट के थ्रू इस्टेबलिश किया गया इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या अनदर रिस्पेक्टिव फील्ड्स जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म सोर्सेज एंड प्रोग्राम्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाता है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन्फ्लीबीनेट के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइन लाइनिक वो कब आया कब इस्टेब्लिश्ड हुआ कौन सा हेड क्वार्टर है उसका देन क्या क्या उसके मेजर प्रोग्राम्स हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं पब्लिकेशंस हैं इसके अलावा क्या फंक्शन एंड एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे इन द प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं यू के काफ़ी बार इन्फ्लूबीनेट के मेजर एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं या पूछा गया है कि इसकी मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं कभी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कभी हेड क्वार्टर रिलेटेड टू इन्फ्लीबीनेट बहुत तरीके के क्वेश्चन यूजीसी के अंदर डेवलप्ड हुए हैं और पूछे गए हैं और आगे आने वाले और भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं सो so, इसीलिए आज हम इन्फ्लूबिनेट के बारे में पूरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो सब डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में जो आज हम इन्फॉर्मेशन नेटवर्क करना जा रहे हैं विच इज़ इन्फ्लिबी नेट सबसे पहले इसके बारे में ये जान लिया जाए कि ये है क्या इसका फुल फॉर्म क्या है इन्फ्लिबिनेट का फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इतना बड़ा नेम होने की वजह से कभी कभार इसके डिफरेंट एक्क्रोनियम सामने आते हैं कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली पीपल इसको बना देते हैं आई IN एन से इंटरनेशनल लगा देते हैं फेडरेशन लाइब्रेरी नेटवर्क कुछ भी लगा सकते हैं बट द करेक्ट फुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो कि इन्फ्लिबी की मेन फुल फॉर्म है इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव होते हैं रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इन्फ्लिबीनेट वो आता है ईयर ऑफ इस्टैब्लिशमेंट मैं बार बार यही चीज़ पे फोकस करती हूँ कि क्या क्या ईयर उसमें इन्वॉल्व किए जा चुके हैं या कौन सी ईयर में वो इस्टैब्लिश किया गया फाउंड किया गया या रजिस्टर्ड किया गया सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ इन्फ्लिबीनेट उसका ईयर ऑफ़ स्टैब्बलिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है सो द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट इज़ नाइनटीन नाइन्टी वन नाइनटीन नाइन्टी वन में इन्फ्लीबिनेट को स्थापित किया गया एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि गांधीनगर में स्थित है क्वार्टर की अगर हम बात करें विच इज़ गांधीनगर गुजरात वहाँ पर इसका मेन सेंटर लोकेटेड है देन डेवलप बाय कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेटअप किया गया डेवलप किया गया या लाया गया सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यू का इसमें बहुत ही अहम रोल है इसको डेवलप करने में इस्टेबलिश करने में और इसकी मेजर एक्टिविटीज़ के अंडर तो यू भी इसकी डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर इन्वॉल्व है इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन नाउ नो एज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एच वो भी डेवलपमेंट में शामिल है इनफ्लिबीनेट के तो ये जो हमारे थ्री मेन की पॉइंट्स से या टॉपिक्स से इन द फील्ड ऑफ इन्फ्लीबीनेट विच इज ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट जो कि हमने पढ़ा 1991, नाइन्टी वन हैडक्वार्टर विच इज गांधी नगर गुजरात डेवलप बाय विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की ओर सो so, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आ रहा है रिलेटेड टू इन्फ्लिबिनेट नेट विच इज़ प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ इन्फ्लिबिनेट बहुत ही तरीके की प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर चुका है और इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या अन अदर फील्ड रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर इसके अलावा बहुत मेजर डेवलपमेंट्स वो अभी भी परफॉर्म कर रहा है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट एडिड यूनिवर्सिटी उसके साथ जुड़ी हुई है यू जी सी एफिलेटेड ऑल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इसकी मेम्बर हैं सो देट इन दल डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स चाहे वो हम कंसोर्सिया प्लेटफॉर्म की बात कर लें या और रिसोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात कर लें या अपने थीसीज एंड रिपोर्ट्स की शेयरिंग की बात कर लें हर प्लेटफॉर्म के अंदर इनफ्लीबी ने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को स्टैब्लिश किया है तो इन्ही प्रोग्राम्स को हम हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे सबसे पहला जो प्रोग्राम इसका आ रहा है विच इज़ शोध गंगा काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है शोध गंगा किसका इनिशिएटिव है शोध गंगा किसका पार्ट है या शोध गंगा किसने डेवलप किया शो शोध गंगा जो है वो प्रोग्राम है इनफ्लिबिनेट का इट इज़ अ मेजर एक्टिविटी ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स रिसर्च स्कॉलर्स अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं या थीसीज एंड एजटेशन्स होती हैं उनको डाल सकते हैं थ्रू दैट जो भी स्टूडेंट उनको एक्सेस करना चाहे उनको इनफ्लिबनेट के द्वारा ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है उन थीसीज एंडशन एंड रिसर्च रिपोर्ट्स का सो दैट इन्फॉमेशन को यूज़ करके एक्सेस करके जो भी स्टूडेंट या यूज़र उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है वो उस जगह पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन ईज़िली एक्सेस कर सके इसीलिए इनफ्लीबी नेट ने शोध गंगा एक इनिशेटिव चलाया जिसके अंदर रिसर्च स्कॉलर्स पी एच डी स्टूडेंट्स अपनी थीसीजटेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट्स को डाल सकते हैं सो so दैट बाकी कोई स्टूडेंट उन्हीं से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहता है वहां पर वो ओपन एक्सेस के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन नीड जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड उसको सेटिस्फाई करनी है वो इजिली एक्सेस करके उसको सेटिस्फाई कर सकता है इट इज एन ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड ओपन एक्सेस ऑफ वेरियस रिसर्च रिपोर्ट टू अदर स्कॉलर सो दैट दे कैन यूज द इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट्स को उनके रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेस हो सके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके इसीलिए शोध गंगा एक प्लेटफॉर्म इन्फ्लिबी ने क्रिएट किया जिसपे अभी भी थाउजेंड्स में रिसर्च एंड रिपोर्ट्स डाले जाते हैं और लैक्स ऑफ यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं सो so, अब हम चलते हैं इसकी दूसरी एक्टिविटी और दूसरे प्रोग्राम की ओर विच इज़ ई शोध सिंधु ई के नाम से भी हम इसको जानते हैं ये इनिशिएटिव भी इन्फ्लिबीनेट के द्वारा शुरू किया गया ई शोध सिंधु इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंसोर्सिया ग्रुप विच इज़ मेड अप बाय मर्जिंग थ्री कंसोर्सिया ग्रुप्स तो बेसिकली अगर हम ई शोध सिंधु की बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंसोर्सिया के लिए ई कंसोर्सिया ग्रुप के नाम से जाना जाता है और कंसोर्सिया के लिए यानी कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है अगर काफी स्टूडेंट्स या आप यूजर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कंसोर्सिया के बारे में नहीं पता है तो हम थोड़ा कंसोर्सिया के बारे में जान लेते हैं लाइब्रेरी कंसोर्सिया बेसिकली लाइब्रेरी कॉपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग के लिए शुरू किया गया था फॉर एग्ज़ाम्पल इफ लाइब्रेरी ए लाइब्रेरी बी लाइब्रेरी सी अगर हम तीन टाइप की लाइब्रेरीज़ लेते हैं तीनों का अपना अलग अलग कलेक्शन होता है अपना अलग अलग रिसोर्स होते हैं और अपने अलग अलग यूज़र्स होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन तीनों में सेम होते हैं कुछ यूज़र इन तीनों में सेम होते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हमारे पास है अगर हम दूसरी लाइब्रेरी के इन्फॉमेसन रिसोर्सेज को शेयर करें आपस में तो वो वाले यूज़र्स भी दूसरी लाइब्रेरी के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं थ्रू लाइब्रेरी कंसोर्सिया इसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंसोर्सिया ग्रुप प्रिपेयर किए जाते हैं सो so दैट जिनका सिमिलर फील्ड्स हैं या सिमिलर सब्जेक्ट फील्ड्स हैं वो लाइब्रेरीज अपने रिसोर्स शेयर कर सके और अपने यूज़र्स को इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सके और एक्सेस करवा सके जैसे कि अगर हम बात करें फोर्सा की फोर्सा एस्ट्रोफिजिक्स का रिलेटेड लाइब्रेरी कंसोर्सिया ग्रुप है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स फील्ड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो so जितना भी इंफॉर्मेशन एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर है या लाइब्रेरीज़ है इंस्टीट्यूट उसके ऊपर बने हुए हैं वो सब वहाँ पर अपना रिसोर्स शेयर एक्सेस करते हैं और यूज़र वहाँ से सब रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है सिमिलरली यू जी सी इन्फोनेट भी एक लाइब्रेरी कंसोर्सिया है यू जी सी के द्वारा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज स्टैब्लिश किए गए हैं वो आपस में रिस्ोर्स शेयर करते हैं सो दैट उनके यूज़र ईजीली उन सबको एक्सेस कर सके और प्रोवाइड किया जा सके उनको ओके सो इसी के अंदर हमने बात करी थी कि ये जो ई शिर सो सिंधु इन्फ्लिबीनेट के द्वारा शुरू किया गया एक ई कंसोर्सिया प्लेटफॉर्म है ये तीन ई कंसोर्सिया ग्रुप से बना हुआ है आप जान लेते हैं कि वो कौन कौन से तीन कंसोर्सिया ग्रुप्स हैं जिसमें से पहला आ रहा है आपका यू जी सी इन्फोनेट यू जी सी इन्फोनेट कंसोर्सिया ग्रुप एनलिस्ट एनलिस्ट के इसके अंदर एंड ए आई सी टी ई इंडेस्ट इन तीनों कंसोर्सिया ग्रुप को मिलाकर ई शोध सिंधु का निर्माण किया गया जो कि इन्फ्लीबीनेट ने ई कंसोर्स ग्रुप के अकॉर्डिंगली चलाया और इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड किया गया सो so, यहाँ हमने जो दो प्रोग्राम्स पढ़े विच इज़ शोध गंगा जो कि थेसिस एंड रिसर्च रिपोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्कॉलर्स रिसर्च स्कॉलर्स अपनी पीएचडी रिपोर्ट्स या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स डाल सकते हैं और बाकी स्कॉलर्स उसको ओपन एक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एंड एंड रिसर्च रिपोर्ट्स। दूसरा हमने पढ़ा ई शोध सिंधु जो कि आपका कंसोर्सिया ग्रुप है ई कंसोर्सिया ग्रुप जो कि तीन ई e. कंसोर्सिया मिला के बनाया गया है यू जी सी इन्फोनेट एनलिस एंड ए आई सी टी ई इंडेस्ट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शोध गंगा और ई शोध सिंधु किसका डेवलपमेंट है या किसने इसको इनिशिएट किया कौन इनको फॉर्म किया तो उसका आंसर इन्फ्लिबिनेट आएगा सो so, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर विच इज़ नेक्स्ट इसके प्रोग्राम्स एंड अनदर एक्टिविटीज आ रही हैं जो कि ये डेवलप करता है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन आ रही है विच इज इंड कैट इंड कैट जो एक इसका यूनियन डाटा बेस है जिसके अंदर ये यूनियन कैटलॉग या यूनियन डाटा बेस बनाता है चाहे वो बुक्स के डाटा बेसिस हो चाहे प्रियोटिकल्स के हो चाहे अनदर डॉक्यूमेंट्स के हों फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइंस का है तो ये प्रॉपर एक साइंस का यूनियन डाटा बेस बनाता है उसके रिलेटेड फील्ड के अंदर चाहे वो फिजिक्स का है फिर बायोलॉजी का है तो उसको अलग रखेगा केमिस्ट्री का है उसको अलग रखेगा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर है तो उसको अलग रखेगा तो इन कैट के अंदर ये जो प्रोग्राम है ये इन इंफ्लिमेट ने स्टार्ट किया था फॉर यूनियन कैटलॉग्स ऑफ बुक्स एंड प्रियोडिकल्स एंड वेरियस यूनियन डाटा के लिए इसके अंदर ये यूनियन डाटा प्रिपेयर करता है यानी बहुत सारे सिमिलर डाटा को बनाकर इकट्ठा एक यूनियन डाटा के अंदर ये फॉर्म करवाता है जो भी बुक्स प्रियोडिकल्स पब्लिश किए जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं उनके यूनियन डाटा आप इनफ्लिबिनेट के थ्रू इनकेट पर आपको वो ईजिली एक्सेस हो सकते हैं इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये नेक्स्ट डेवलपमेंट आ रही है विच इज़ सोल सॉफ्टवेयर सोल सॉफ़्टवेयर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन भी अराइव होते हैं पूछा भी जाता है तो सोल इज़ सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सोल सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने वाला एक ही लाइब्रेरी नेटवर्क है विच इज़ इन्फ्लीबिनेट इन्फ्लिबिनेट ने ही सोल सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जो कि सॉफ्टवेयर ऑफ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के अंदर आइदर वो गवर्नमेंट एडेड हो पब्लिक हो या प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हो सब जगह काफ़ी जगह सोल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है फॉर डेली टू डेली ट्रांजेक्शन एंड लाइब्रेरी ऑपरेशंस के लिए इसके अंदर एक्विजिशन मॉड्यूल्स टेक्निकल सेक्शन के लिए बेसिक मॉड्यूल्स मार्क ट्वेंटी वन सर्कुलेशन के लिए बेसिक मॉड्यूल्स बारकोड स्कैनर की फैसिलिटीज़ ये सब कुछ मॉड्यूल्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है सो जो डेली फंक्शंस हैं और डेली रूटीन है लाइब्रेरी के वो हम इस सॉफ़्टवेयर के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और इजीली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के टास्क होते हैं या जो भी उनका वर्क होता है वो सॉल सॉफ्टवेयर पे ईज़िली कंडक्ट किया जा सकता है और ईज़िली परफॉर्म किया जा सकता है तो इसलिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ सोल सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं जो कि डेवलप किया है इनफ्लिबिलेट ने सो आफ्टर दैट इट प्रोवाइड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन डिफरेंट फंक्शन विच इज डन इन डेली रूटीन डेली रूटीन या लाइब्रेरी के इन हाउस जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं या पब्लिक ट्रांजेक्शन होते हैं डाटा बेशन, डाटा बेस क्रिएशन होती हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए सोल सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है और इसमें जैसे भी न्यू न्यू स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड होते हैं इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस उसकी डेवलपमेंट उसके वर्जन भी अपडेट साथ के साथ इन्फ्लिबिनेट करता रहता है सो so दैट हमें जो भी है वो न्यू टेक्नोलॉजी सिमिलर टाइम पे एक्सेस हो सके इसके बाद अगर हम बात करें इसकी थर्ड एक्टिविटी की जो इस स्लाइड पर दी गई है विच इज़ इन्फोपोर्ट इन्फोपोर्ट काइंड ऑफ आ वर्क एज अ सर्च इंजन या फिर सब्जेक्ट गेटअवे बेसिकली इन्फोपोर्ट काइंड ऑफ आ एक सर्च सर्विस है जो कि इन्फ्लीबी नेट प्रोवाइड करता है इन्फोपोर्ट के अंदर वो एक सब्जेक्ट गेटवे की तरह वर्क करता है एक वेब पोर्टल की तरह वर्क करता है जिसके अंदर सब्जेक्ट गेटवेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट डिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट को लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर या साइंस के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस कर रहा है तो वो इन्फ़ोपोर्ट पर जाकर अपना कीवर्ड के थ्रू जो भी उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके थ्रू अपना डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर सकता है वहाँ थ्रू की के उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको उसी फील्ड में उसी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड एक्सेस हो जाएगी सो इसीलिए इन्फोपोर्ट भी एक इसका अनदर मेन मेजर एक्टिविटी के अंदर आता है इज़ एन अनदर सर्विस विच इज़ गिवन बाय इन्फ्रीबिन इट इज़ अ सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जितने भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज बन रहे हैं या पब्लिश किए गए हैं नेट पे डिजिटल मोड पे, वो एक्सेस करने के लिए इन्फो पोर्ट एक ऐसा पोर्टल है जो कि पर्टिकुलर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को एक्सेस करता है और उनको स्टूडेंट्स को या यूजर को प्रोवाइड करके देता है अब हम भरते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर विच इज अनदर मेजर प्रोजेक्ट्स बाई इन्फ्लीबी इसके अलावा इन्फ्लीबेट ने और भी बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जो कि इसके अंदर दिए गए हैं फर्स्ट इज विद्वान देन ई e, पीजी पाठशाला विद्या मित्र स्वयं प्रभा और आयर इन्फ्लीबीनेट विच इज़ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इन्फ्लीबीनेट ये कुछ ऐसे अनदर मेजर डेवलपमेंट्स हैं और मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कि इन्फ्लीबीनेट ने शामिल किए हैं और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए विद्वान सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं ई पाठशाला पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पीजी पाठशाला स्टार्ट की गई है जहां पर इंफॉर्मेशन एक्सेस इजीली हो सके विद्या मित्र विद्या मित्र करके जो सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर डेवलप किया गया एक इनिशिएटिव के थ्रू जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज रिसोर्सेज इजीली एक्सेस किया जा सके स्वयं प्रभा एंड आई आर इनफ्लूबी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए आई आर इनफ्लूबी प्रोवाइड किए गए फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो उसमें से काफी डॉक्यूमेंट्स आई आर इन्फ्लूबी के अंदर भी ओपन एक्सेस के थ्रू हमें मिल सकते हैं जो कि प्रॉपर कीवर्ड्स के थ्रू एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी फील्ड के अंदर भी अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट और डिफरेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स के ऊपर अगर हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर इन्फ्लीबीनेट के अंदर इंफॉर्मेशन ईजिली थ्रू फ्री एक्सेस और ओपन एक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं तो ये कुछ और अनदर डेवलपमेंट्स थे जो इन्फ्लीबीनेट ने प्रोवाइड करे सो दैट यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सके इसके अलावा प्लानर काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस या नेशनल पॉलिसी की तरह वर्क करता है इन्फ्लू के अंदर जो कि पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट एंड कॉलेज़ स्टूडेंट्स को कि वो कितना इन्फॉमेसन एक्सेस कर रहे हैं किस बेस पे एक्सेस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है तो काइंड ऑफ अ नेशनल पॉलिसी के थ्रू प्लानर ये सर्वे करता है और नेशनल पॉलिसी प्रिपेयर करने में हेल्प करता है इसके अलावा आ, भी नेट अपना न्यूज लेटर भी पब्लिश करता है मंथली जिसके अंदर न्यूज़लेटर के अंदर जितने भी इवेंट्स और जितनी भी फर्दर डेवलपमेंट्स है इन्फ्लीबी नेट की वो वो इसके अंदर शो करता है प्रोवाइड करता है जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है जितने फील्ड्स रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इनफिलीबीनेट प्रोवाइड करता है तो ये बेसिक जो हमारा आज का टॉपिक था इन्फ़्लिबीनेट ये रिलेटेड टू फील्ड था इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स के ऊपर ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन ऐसा है जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स या कॉलेज या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इसी के लिए इसने डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ डेवलप कर रखी हैं जिसको आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे तब तक के लिए ये जो पार्ट वन था इन्फ्लीबिनेट का आप इसको अच्छे से एक्सेस कीजिए जो भी डेवलपमेंट इसमें मैंने डिस्कस करी है उसको अच्छे से आप गो थ्रू कीजिए अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि इन्फ्लीबिनेट पार्ट टू के नाम से आएगी विच इस इसी के जो अनदर डेवलपमेंट्स हैं और अनदर प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ हैं उनको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच